दोस्तों, गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी वन शॉट वीडियो बनाए हैं वो पूरे के पूरे वन शॉट वीडियो पहले आपको देखना है। देन इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरे को और भी सर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सेट में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हॉट क्वेश्चन हमें सबसे पहले करना चाहिए, और यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चन को लिया है, अगर आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो अगर इस तरह से कोई भी अगर वो प्रॉब्लम सेट से अगर कोई भी हॉट क्वेश्चन देंगे तो आप इजीली सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर आपने मेरे वन शॉट वीडियो को देखा होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वन शॉट वीडियो में भी मैंने हॉट क्वेश्चंस के कराए हुए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के भी कुछ कुछ क्वेश्चन हॉट क्वेश्चंस की तरह है। अब देखो यहां पे मैंने प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम सेट नंबर 5th के मैंने क्वेश्चंस को लिया है, प्रॉब्लम सेट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस को लिया है, प्रॉब्लम सेट नंबर 7th के कुछ क्वेश्चंस को लिया है। अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट दिखाओगे, स्टार्टिंग के लेसन का भी मैं लेकर आ जाऊंगा। और अगर लगभग आपने ये सब क्वेश्चंस और मेरे वन शॉट वीडियो कर लिए तो कल आपको 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम सेट नंबर 7th का ये क्वेश्चन है और ये आपके प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो क्या लिखा था, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर। अब रोलर जो रहता है वो कौन से कैसे शेप में रहेगा दोस्तों, आपको पता होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। अब सिलेंड्रिकल शेप मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे ही बना दिया। अब यहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल शेप बनाया तो मुझे इसका डायमीटर पता है। डायमीटर कितना है दोस्तों, डायमीटर मतलब ये डायमीटर हमें कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। एंड देन इसके बाद इन्होंने हमें इसका लेंथ दिया है दोस्तों, लेंथ इन्होंने हमें कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। एंड देन इसके बाद टू लेवल दी ग्राउंड। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, गिवन। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान से अगर करोगे तो देखो समझ में आएगा। सबसे पहले जो लेंथ है वो अपना हाइट हो गया, ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं रोलर जो हमें दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सिलेंड्रिकल या सिलेंडर लिख रहा हूँ। अब सिलेंडर में अपने को क्या चाहिए रहता है, इन्होंने सबसे पहले रोलर का डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। बट भाई अपने को डायमीटर नहीं चाहिए रहता है, अपने को रेडियस चाहिए रहता है। तो डायमीटर डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अब दूसरा पार्ट अपने को यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, लेंथ दिया है, पर लेंथ मतलब ही अपना ये क्या है, हाइट है, हाइट मतलब कितना है, 84 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये भी हो गया। अब इन्होंने हमें क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि टू लेवल दी ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ दी रोलर आर रिक्वायर। अब यहाँ पे कुछ रोटेशन से रिलेटेड डेटा दिया है तो मैं लिख दे रहा हूँ, रोटेशन इन्होंने कितना दिया है, रोटेशन विच इज इक्वल टू 200। और ये बहुत बार इसके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ, रेट लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, रेट इन्होंने दिया है, रेट कितना दिया है, रेट रुपीस 10 पर स्क्वायर मीटर। मतलब इन्होंने मीटर में हमें यहाँ पे दिया है, तो लास्ट में अपना आंसर मीटर में रहना चाहिए। याद रखना यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो मीटर में है। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा है, पर ये क्वेश्चन कुछ इसके अंदर ऐसे पैरामीटर है जिसकी वजह से ये हॉट क्वेश्चन में चले जाता है, और अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स में आएगा। अब इस तरह से यहाँ पे मैंने सब डेटा लिख दिया। अब सबसे पहले कि अगर मुझे समझो कि मुझे एक्सपेंडिचर के बारे में पता करना होगा कि वो ये जो रोलर है वो अगर मुझे ग्राउंड को लेवल करना है, तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर पता करना है तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि इसने कितना एरिया कवर किया। अब एरिया कवर करने के पहले मुझे पता कि उसने 200 रोटेशन किया, पर उसके पहले मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर कितना सरफेस है। तो ये वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉस सरफेस। तो आप डायरेक्टली क्या करो, सबसे पहला दिमाग में रखो कि मुझे इसमें क्या करना है, कॉस सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकालना है। तो मैं यहां पे कॉस सरफेस एरिया ऑफ रोलर यहां पे मैं लिख रहा हूं, एंड देन कॉस सरफेस एरिया ऑफ रोलर का जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा मैं इसको यहां ले रहा हूं। कॉस सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला है, सिलेंडर का कॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πRh, आपको कल ही मैंने याद करा दिया है। अब यहां पे 2 लिखो, 22/7 लिखो, देन r का वैल्यू कितना है दोस्तों, r का वैल्यू कितना है, 60 है। एंड देन हाइट का वैल्यू कितना था, 84 था। अब देखो ये वाला तो आपको पता है, 12 के टेबल में आता है, 12 7 4 84। अब सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी नंबर्स है, 2 × 22 यहां पे अगर आप करोगे, एंड देन 6 × 12। तो मैं, आप भी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अभी मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रदीप सर से पूछना चाहता हूँ कि 2 × 12 2 × 22 एंड 22 × 60 एंड 60 × 12।
प्रदीप सर फास्ट करो और सब लोग जल्दी जल्दी आप भी करो। और जो भी आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कॉस सरफेस एरिया। तो फाइनली प्रदीप सर ने मल्टीप्लाई किया, कितना आया प्रदीप सर मुंह से बोलो, 31680। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं चाहता तो यहां मल्टीप्लाई भी करता पर टाइम बचेगा जिससे आप वीडियो जल्दी से जल्दी देख लोगे। अब ये हो गया आपका कॉस सरफेस एरिया, अभी मैं सेंटीमीटर में ही निकाल रहा हूं, पर मुझे पता है कि लास्ट में रेट किस में दिया है, मीटर में। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ पे सेंटीमीटर अगर है, अगर मीटर में जाना है तो आप हंड्रेड करते, पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए आप 100 इंटू 100, 100 कितने बार लोगे, टू टाइम। तो यहाँ पे देखो ये 3168, यहाँ पे देखो 100 में टू टाइम ले रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने टू टाइम लिया, ये तुरंत एक इसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये मीटर में कन्वर्ट होने के बाद मतलब यहाँ पे 40 है, 4 नंबर के बाद आप पॉइंट ले लो। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। तो अगर ये यहाँ पे समझो 40 है तो यहाँ पे 4 नंबर के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर के बाद अगर आप पॉइंट लोगे तो 1 2 3 4, तो मतलब 31680, अगर जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे पॉइंट है। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, कॉस सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस सरफेस एरिया आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल सकते हो कि जो हमने लेबल किया, तो इसमें कितना रोटेशन लगा है, 200 रोटेशन लगा है। तो हम एरिया अगर मुझे निकालना है, एरिया ऑफ ग्राउंड चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हो एरिया ऑफ ग्राउंड टू बी लेबल, जो लेबल किया गया है। तो आप क्या करोगे, जो आपका कॉस सरफेस एरिया आया उसको आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर मतलब रोटेशन से। थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, आप ऐसे मत लिखना। अब देखो यहाँ पे 3.168 मल्टीप्लाई बाय 200 रोटेशन था, तो यहाँ पे मैंने अगर इससे मल्टीप्लाई किया, अब देखो मैंने कॉस सरफेस एरिया निकाल दिया, देन रोटेशन से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आया है प्रदीप सर, कितना आंसर आया बोलो, 6 3 3.6 एरिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर एरिया है, तो क्या आएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर। अब ये भी हो गया, अब हमें क्या करना है दोस्तों, फाइनली इन्होंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए। देखो एक्सपेंडिचर बोला है, एक्सपेंडिचर मतलब अपने को क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट या तो एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं, उसमें मैं क्या करूंगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेट होता है। देन यहाँ पे एरिया जो है मेरा कितना आया, 633.6। अगर किसी ने इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट किया तो मार्क्स कट हो जाएगा। एंड देन मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है दोस्तों, रेट अपना है, रेट अपना कितना है, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। और रूल आपको पता है, 10 है तो एक नंबर आगे पॉइंट चले जाएगा, डिवाइड में होता तो इस साइड जाता, देन राइट हैंड साइड पॉइंट चले जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, रुपीस में। मतलब इतना हमें पैसा लगेगा ग्राउंड को अगर मुझे लेबल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले कवर कर देना चाहिए। अब देखो इसी लेसन में एक दूसरा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करके जाना चाहिए, कि इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो कैसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस आपको एक्सरसाइज पे देना चाहिए, देन इसके बाद आपको इसमें से कौन कौन से मेन मेन क्वेश्चंस है उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, मेटल पैरेललो पाइप ऑफ मेजर। अब देखो यहाँ पे पैरेललो पाइप मतलब यहाँ पे डायरेक्ट समझ जाना क्यूबॉइड, तो यहाँ पे अपने को क्यूबॉइड यहाँ पे दिया है, तो पर जो यहाँ पे टर्म लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ, पैरेललो पाइप यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है वही मैं लिख रहा हूं। अब पैरेललो पाइप का आपको चाहिए तो डायग्राम बना लो। एल कितना दिया है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। देन अपने को बी दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। एंड एच कितना दिया है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। आप इससे भी पता कर सकते हो कि ये क्यूबॉइड की तरह है, देखो एल इंटू बी इंटू एच दिया है। एंड मेल्ट टू मेक अ कॉइन, मतलब इसको मेल्ट किया और कॉइन बनाया। तो कल अगर मेरा वन शॉट वीडियो अगर आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, कि अगर कोई भी चीज को अगर हम मेल्ट करके कुछ बनाते हैं तो वॉल्यूम से हम कंपेयर करेंगे, किससे हम कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम से। देन यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी कॉइन्स, ये भी इस तरह जैसे हाउ मेनी जग्स ये सब मैंने कराया था, तो सब में मैंने वॉल्यूम निकाला था। अब कॉइन है तो देखो यहाँ पे दोस्तों एक कॉइन में बना दे रहा हूं, ये देखो ये कॉइन थोड़ा सा मैं इस तरफ से बना रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बोला, थिकनेस दिया है, थिकनेस मतलब कॉइन का थिकनेस मतलब ये वाला पार्ट, थिकनेस कितना है दोस्तों, 2 mm है, कितना है, 2 mm। और अगर 2 mm को ही अगर मैं कन्वर्ट करूं, हमेशा याद रखना 2 mm को अगर मैं सेंटीमीटर के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करूं, क्योंकि यहां पे डेटा सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0.2
सेंटीमीटर, ये चीज हमेशा याद रखना, इसका भी हाफ मार्क्स रहता है क्योंकि ये अगर रॉन्ग किया तो आगे सब रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन इसके बाद आपको क्या बोला है, डायमीटर बोला है, डायमीटर ऑफ कॉइन कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो फाइनली हमें इसका डायमीटर पता है, डायमीटर कितना पता है 2 सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहाँ पे, मैं आपके दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कॉइन भी लिख दे रहा हूँ, कॉइन का मुझे थिकनेस मतलब हाइट पता, हाइट कितना है दोस्तों 2 mm था, पर फाइनली मैंने उसको क्या किया 2 को 10 से डिवाइड करके उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। देन हाइट विच इज इक्वल टू कितना है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके लिए मेन डेटा है। देन दूसरा डेटा आपके लिए क्या है, डायमीटर उन्होंने दिया है 2 सेंटीमीटर, पर अपने को क्या चाहिए दोस्तों, रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या आएगा d/2, मतलब यहाँ पे 2/2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी हो गया। वैसे ही यहाँ पे आपको ये भी डेटा पता है। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कॉइन। अब नंबर ऑफ कॉइन मैंने बोला था कि इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि इससे कॉइन बनाना है ना, तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब अगर आप इसे अगर आगे सॉल्व करते हो, तो अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, एक थोड़ा सा चेंजेस कर देना हमेशा, अगर कभी भी देखो ये एच एच रिपीट हो रहा है, तो आप इसको चाहिए तो कैपिटल एच ले लो, और अगर और कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे आप कैपिटल एच ले लेना, कि जिससे कंफ्यूजन ना हो, हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है, अब देखो ये पैरेलल पाइप मतलब क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम क्या आएगा, एल इंटू बी इंटू एच। एंड देन अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ये बात करूं सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पर यहां पे मैंने एच क्या लिया है, कैपिटल लिया है। देन फाइनली अगर मैं यहां ही पे वैल्यू पुट ऑफ कर दूं, अगर मैं यहां ही पे अगर मैं वैल्यूज को पुट ऑफ कर दूं, एल का वैल्यू कितना है दोस्तों 16 है, देन इसके बाद बी का वैल्यू कितना है 11 है, एंड इसका वैल्यू कितना है 10 है, देन पाई का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 22/7, एंड देन इसके बाद आर स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन में आर का वैल्यू कितना है 1 है, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख रहा हूँ, एंड ये कितना है 0.2 है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से, अगर आप सिस्टमेटिक अच्छे से सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं इसे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो मैं ये 0.2 को हटाने के लिए पॉइंट ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे क्या आया, देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे, अब देखो नीचे का 7 भी ऊपर ले ले रहा हूँ, 7 ऊपर चले गया, तो यहाँ पे नीचे क्या है 22, देखो 1 से सेम ही होगा, और ये पॉइंट हट जाएगा और ये 10 भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0.2 का डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 तो हम लिखेंगे नहीं। अब देखो आप अगर इसे आप करोगे, अगर इसे अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन सब बता रहा हूँ, 11 2 और 11 वन सा, ये कैंसिल हो गया। देन इसके बाद देखो ये 2 से इसको करोगे तो 8 हो जाएगा, देन अगर आप इसे करोगे तो 2 4 जा, तो फाइनली 4 7 जा 28, एंड देन इसके बाद 00, तो इतने कॉइन्स अपन क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, इतने कॉइन्स अपन इससे बना सकते हो। तो ये भी एक तरह से हॉट क्वेश्चन में किस लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंजेस था ना, इस चेंजेस की वजह से इसको हमने हॉट क्वेश्चन के अंदर ले लिया। अब स्टेटमेंट ये सब तो आपको लिखना है, बस मैं यहाँ पे सॉल्व करके चीजें दे रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चन मैं नहीं ले सकता इसको, पर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैंने लिया है, कि लास्ट वाले क्वेश्चन में आ गया, द रेडियस ऑफ मेटलिक स्पीयर, मतलब अपने को सबसे पहले स्पीयर दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो और इसे और मेरा लाइव लेक्चर देख लिया, तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इट वॉज मेल्ड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर, अब एक वायर हम बना रहे हैं, एक वायर हम बना रहे हैं, वायर मतलब समझ जाना कि वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, वायर बना रहे हैं, और वायर का जो डायमीटर है वो डायमीटर दोस्तों कितना है वायर का 4 mm, ये mm की वजह से ये सब कन्वर्ट हो रहा है। एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, अपने को क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर मतलब अपने को फाइनली क्या करना है, इसका हाइट पता करना है। एंड देन यहाँ पे अगर आप बोलोगे वायर के बारे में, अगर आप लिख रहे हो तो वायर क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो सबसे पहले अगर मुझे उसका डायमीटर दिया हुआ है उन्होंने, तो डायमीटर कितना है दोस्तों 4 mm है, अपन इससे रेडियस निकाल सकते हैं d/2, बहुत अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी। अगर आप इस 4 को अगर दोस्तों 2 से डिवाइड करते हो तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2 mm,
और अगर 2 mm जो है उसे हमें क्या करना है, अगर ये देखो सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय क्या ले लो, 10 ले लो, तो एक इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने फाइनली ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन दे दिया आपको। अब यहाँ पे आपका डायमीटर से आपने रेडियस निकाल दिया, और आपको फाइनली क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर मतलब आपको हाइट चाहिए। एंड देन इसके बाद आपको स्पीयर का यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दोस्तों दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब भी मेल्ट करके अगर कोई भी चीज बनाते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को आपको क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर मतलब सिलेंडर। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा, 4/3 πr³। पर अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, अब देखो यहां पे आर आर मैच हो रहा है, यहां पे आर आर मैच हो रहा है, ये रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, इसके आर को कैपिटल ले लेता हूं, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। एंड देन यहां पे अगर वॉल्यूम ऑफ वायर की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये पाई पाई पहले ही कैंसिल हो जाएगा, एंड देन इसके बाद अगर आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये क्या आएगा, 4/3। देन आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9³, मतलब 9 × 9 × 9, 3 बार लिख दे रहा हूं। देन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आपको पता है 0.2 का स्क्वायर, एंड एच अपने को फाइंड आउट करना है। फाइनली ये कैलकुलेशन भी बहुत ईजी कैलकुलेशन है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये सब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 3 नीचे है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, एंड देन दोस्तों 0.2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, पॉइंट के बाद कितना नंबर 1 है। अब स्क्वायर है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट ले लो, मतलब 1 नंबर ऑलरेडी है, दूसरे नंबर के बाद आप 0 ले लो। और अगर ये पॉइंट को हटाना है तो आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब इजी ट्रिक बता दे रहा हूँ। देन यहाँ पे देखो आपका यही क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, देखो ये 4 × 9 × 9 × 9 × 100, एंड देन नीचे क्या हो जाएगा, 3 × ये देखो पॉइंट हटके 4 हो जाएगा, और 100 भी गायब हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के साथ 100 गायब हो गया। अब ये 4 4 आप कैंसिल कर दो, एंड 3 3 कर दो। अब देखो 9 9 कितना होता है, 81, 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 243 होगा, देखते हैं। प्रदीप सर बताओ तो 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करने का टाइम बच जाए मेरा, 81 × 3 243 है क्या, 81 × देखो 81 × 3 एंड 00 एंड एच। अब देखो ये सेंटीमीटर में आंसर आया, हो सकता है कि आपका आंसर आपको मीटर में, क्योंकि लेंथ बोला है तो मीटर में आंसर निकाल दो, तो इसी को आप क्या करो 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हो, तो 243 हो जाएगा। तो फाइनली हमने लास्ट लेसन में आपको मेरे वन शॉट वीडियो के बाद, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हॉट क्वेश्चन की तरह है, जहां पे हमने लास्ट वाला फर्स्ट एक्सरसाइज का कल मैंने लाइव में ही क्वेश्चन कवर कराया, वो सब क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना चाहिए। अगर आप और वीडियो को अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं हो सकता है कि इसमें एक आध क्वेश्चन और ले लूं। अब देखो मैं आ गया हूं यहाँ पे, टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मुझे इसके बाद लाइव लेक्चर्स भी लेना है, मेरा लाइव लेक्चर्स है। अब देखो ये देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सब मैंने करा दिया, तो आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से खेल सकते हो, बट ये वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों सबसे अलग है, ये इस तरह का अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो आपको खिला सकता है, तो इसलिए इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को मैं आपको समझा दे रहा हूं। व्हाइल लैंडिंग एट एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया तो आपको पता चल गया कि आपको सीधा एक लाइन लेना है, मैंने सिखाया है आपको, यहां पे 20 डिग्री हो गया, एंड 20 डिग्री हो गया मतलब पायलट नीचे आ रहा है, एंड देन एवरेज स्पीड दिया है, यहां पे हमें क्या दिया है दोस्तों, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया है हमें, हमें प्लेन का स्पीड दिया है 200 किलोमीटर पर आवर। यहां पे भी एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, मतलब अपने को टाइम भी दिया है कि ग्राउंड पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 54 सेकेंड, मतलब यहां पे, यहां से यहां पे पहुंचने के लिए उसको 54 सेकेंड्स लगे। एंड देन द फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज वेन इट स्टार्ट लैंडिंग, मतलब कौन से हाइट से उसने लैंडिंग स्टार्ट किया, वो अपने को निकालना है, मतलब अपने को ये डेटा निकालना है दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन के अंदर
ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो हमें हमारा हालत खराब हो जाता है, और ये क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब देखो सबसे पहले ये अगर 20 है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों, 20 होगा आपको यहाँ पे। अब मैं थोड़ी बहुत चीजें इसके अंदर लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको डायरेक्ट सॉल्व करने वाला पार्ट बता रहा हूँ। लिखने वाला पार्ट मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आपको सब डेटा लिखना है। चलो मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारा एंगल डी है, डी ए सी है, वो कॉन्ग्रेंट होगा कौन से एंगल को, ए सी बी को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो देयर फॉर द एंगल ए सी बी भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री। प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अब ये अगर 20, ये भी 20 हो जाएगा, पर इसके पहले मुझे लाइन को पैरेलल बताना होगा कि एडी जो है वो पैरेलल है किसको, है बीसी को। और अगर चाहिए तो उसके पहले आप ये भी लिख सकते हो कि लिखना ही ये चाहिए, मतलब लिखना ही पड़ेगा कि एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ 20 डिग्री, ये आपको लिखना होगा। एंड इस एंगल का मेजरमेंट लिखो, जो मेन चीज है वो मैं लिख रहा हूं। अब आप देखोगे तो मेन खेल किसका है दोस्तों, इसका। और देखो ये वाला आपको टाइम पता है, ये वाला आपको स्पीड पता है, यहां से यहां तक प्लेन को आने के लिए कितना स्पीड लगा था ये, और उसका टाइम भी आपको पता है। और कभी भी अगर आपको स्पीड जो है दोस्तों, अगर आपको यहां पे 200 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है इसे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 11th 12th में भी एक लॉजिक यूज कर सकते हो, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका हाफ करूं तो 9, इसका हाफ करूं तो 100, एंड 100 × 5, 500 / 9 मीटर पर सेकंड। मैंने ये आपको बहुत इजी कर दिया, तो स्पीड को आपको किस में कन्वर्ट कर देना, मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम हमें क्या दिया है, सेकंड में दिया है। अब दोस्तों यहां से आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, एसी वाला आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये देखो यहां पे मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं अगर मुझे डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम को मैं वहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, टाइम से। देन यहां पे अगर स्पीड जो है, मेरे को पता है स्पीड मेरा कितना है, 500 / 9, और टाइम कितना है दोस्तों, टाइम कितना उसको लगा वहां से वहां आने के लिए, लैंडिंग मतलब यहां से यहां तक आने के लिए उसको 54 सेकेंड्स लगे। एंड देन अगर आप देखोगे 9 के टेबल में ये 6 जा आता है, एंड देन फाइनली अगर आप देखोगे 6 × 5 कितना होगा, 30, और 20 यहां पे आया। तो डिस्टेंस किस में आएगा दोस्तों, ये डिस्टेंस मीटर में होगा, किस में होगा, मीटर में, क्योंकि यहां पे हमने स्पीड का भी डिस्टेंस किस में लिया, मीटर में। तो ये आपका मीटर में डिस्टेंस आ गया। अब देखो ये डिस्टेंस आपको मीटर में मिल गया, मतलब आपको ये एसी का वैल्यू मिल गया, क्योंकि एरोप्लेन यहां से यहां तक आया, ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब डायरेक्टली आप नॉर्मल, यही बस मुझे बताना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करो साइन थीटा वाला फॉर्मूला, मतलब साइन 20 का, साइन का फॉर्मूला आपको पता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या, कौन सा साइड है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, एसी है। एंड देन इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हमें साइन 20 का वैल्यू दिया है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो साइन 20 का वैल्यू दिया है 0.342। हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, हमें वैल्यू निकालना है एबी का, एबी अपने को फाइंड आउट करना है, एंड फाइनली एसी का वैल्यू अपने को पता है 3000। देन अगर मैं आगे अगर इसे सॉल्व करूं तो एबी विच इज इक्वल टू, इस तरह के अगर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप इजीली हैंडल कर लोगे, और हो सकता है कि आप मैक्स में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर दो। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे दोस्तों, 3000 से। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे 30 है, तो ये 342 × 3 हो सकता है। तो प्रदीप सर इसका आंसर बता दो मुझे फास्ट, कौन मल्टीप्लाई करे, कितना, 1026। आप देख लेना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चल रहा है 3 × 2 = 6 होगा, 3 × 4 = 12 होगा, 2 × 1 = 3, 3 × 9 और 1 = 10। हाँ ये याद रखना है, ये ए बी है, हाइट है, और हमने सब डेटा को कन्वर्ट किया था मीटर में, हो गया। इस तरह से मैंने आपका ट्रिगो वाला ही पार्ट कवर कर दिया। अब देखो नेक्स्ट आपको ये हॉट क्वेश्चन कवर करना चाहिए ट्रिगो का। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन मैंने लाइव के एक लेक्चर्स में कवर भी कराया है। देखो यहाँ पे आपको LHS ले लेना है, LHS sec^6x − 10^6x। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे sec^2² कर दो और बाहर क्यूब ले लो, क्योंकि हमें sec^2x का हमें फॉर्मूला पता है। एंड देन ये वाले पार्ट को मैंने बोला था ऐसे ही रखो,
एंड दोस्तों इसकी जगह आपको पता है कि ये क्या आएगा, आपको आइडेंटिटी पता होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने वो लिख दिया एंड यहाँ पे क्यूब। अब बहुत ईजी है दोस्तों, अब यहाँ पे आप क्या करो पता है, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बस आपका काम यहाँ पे हो गया है, इतने स्टेप बस, अब आप बस ये वैल्यू पुटअप करें, आंसर आ गया है। देखो ए मतलब ये है और बी मतलब ये है, ए क्यूब मतलब वन क्यूब प्लस थ्री ए मतलब वन, बी मतलब टेन स्क्वायर एक्स का, अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना है, फिर से हमें क्या करना है, थ्री ए बी लेना है, पर यहाँ पे इसका स्क्वायर ए वन है, बी क्या है टेन स्क्वायर एक्स, एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बी क्यूब लेना है, बी क्यूब लेना है मतलब टेन, अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, क्यूब लेना है। ये देखो मैंने पूरा का पूरा ये वाले टर्म को फॉर्मूले में एक्सपांड किया, एंड देन इसके बाद आगे वाला जो पार्ट था, ये आगे वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूं, टेन रेस टू सिक्स एक्स। बहुत अच्छे से ध्यान दो, अगर जो लोग आउट ऑफ लाना चाहते हैं, ये नॉर्मल बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत फायदा करेगा आपको। अब देखो वन, ये थ्री, वन का स्क्वायर वन होता है, तो यहां पे क्या आएगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या होगा थ्री, अब देखो ये क्या हो जाएगा टेन रेस टू फोर एक्स हो जाएगा, क्योंकि टू इंटू टू फोर, एंड देन यहां पे क्या हो जाएगा टेन रेस टू सिक्स एक्स हो जाएगा, एंड देन माइनस टेन रेस टू सिक्स एक्स। भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब हमें अपने प्रूफ को देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे एक सेक स्क्वायर एक्स है और अपने प्रूफ में तो कोई सेक नहीं है, तो ध्यान से अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो ये देखो थ्री टेन स्क्वायर एक्स मैं बाहर ले रहा हूं, अब अंदर यहां से ये पूरा पार्ट अंदर आ गया, तो यहाँ पे वन, यहां से अगर आप देखोगे तो थ्री भी बाहर आ गया, टेन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो एक टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बचेगा, एंड देन फाइनली क्या आएगा दोस्तों, फाइनली यहाँ पे वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स इन टू, इसका मतलब क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, अगर आपको आइडेंटिटी पता होगा। और इसी के साथ मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है प्रूफ, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, तो अराउंड 10:45 हो गया है, देखते हैं कि मैं कितने चीजों को कवर कर पाता हूं, क्योंकि मेरा इसके बाद लेक्चर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में, इसके पहले के दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकते हैं। बाबू एक गिलास पानी पिला दो। अब देखो यहाँ पे आप एल एच एस लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा टेन क्यूब थीटा माइनस वन, देन यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसके पहले वाला फॉर्मूला अलग है, ए प्लस बी होल क्यूब है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको देखो एक लॉजिक बता रहा हूँ, या देखो यहाँ पे माइनस में, तो ऐसा आप माइनस ले लो, एंड देन इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मत ले लेना, और ये हमेशा प्लस होगा, यहां माइनस है तो इसका अपोजिट ये प्लस। अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करो, ये देखो ये हमारा ए क्या है टेन थीटा है, और माइनस बी क्या है हमारा वन है, देखो ये क्यूब है कुछ नहीं तो वन का क्यूब ही है, देन यहां पर क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब यहां पर क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब अपन टेन थीटा और इंटू वन क्या होगा टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय वन लिखना है तो लिख दो, और बी मतलब वन का क्यूब सॉरी वन का स्क्वायर, एंड देन इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे वाला जो टर्म है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां ही पे आपका ये कट हो गया, ये थ्री मार्क्स में इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग ये थ्री मार्क्स में देंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। अब अगर ध्यान से अगर आप अपने प्रूफ को देखोगे तो प्रूफ में सेक स्क्वायर थीटा है, तो भाई आपको आइडेंटिटी याद है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो गया टेन थीटा एंड विच इज इक्वल टू आर एच एस, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब मीडियन की बात आई तो सबसे पहले हम ट्राइंगल एक ड्रॉ कर दे रहे हैं और उस ट्राइंगल में हम मीडियन बना दे रहे हैं। अब लेंथ ऑफ द मीडियंस बोला है मतलब तीनों मीडियंस बनाना है तो ये भी बना दिया और तीसरा वाला मीडियन यहां से पास होगा, ये चीज याद रखना। अब ये होने के बाद दोस्तों यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ए ले ले रहा हूं, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं बी, और यहां पर मैं सी, इन्होंने दिया भी है अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन हुज वर्टाइसेस आर, हमें यहां पर दिया हुआ है
फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का हमें वर्टाइसिस पता है दोस्तों, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन अगर आपको आया तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो यहाँ पे ये 5, -3 है, एंड देन यहाँ पे 3, -5 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक P ले लो, एक Q ले लो और ये R ले लो। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पी क्यू आर आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देन इसके बाद देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले ही लिख दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एंड वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो पता है दोस्तों, पहले मैं समझो P निकाल रहा हूं, क्या निकालो P, पहले आपको कैसे लिखना है एक क्वेश्चन मैं लिख के बता दे रहा हूं। आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे P, पॉइंट P, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। ये लेसन के जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं अच्छे से करना, बहुत अच्छे से कर सकते हो तो करना, जिससे आप इस लेसन के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ गए तो आप उसे इजिली हैंडल कर सकते हो। तो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, या तो साइड ए बी लिखो, ए बी का मिड पॉइंट है। अब ए बी का मिड पॉइंट है दोस्तों, तो पी का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालो, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है देखो यहाँ पे -1 है ए का, देन ये 5 है, इसको प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 ले लो। यहाँ पे क्या है 1 है, इसे आप प्लस कर दो, यहाँ पे क्या है -3 है, ये -3 एंड डिवाइड बाय 2। अब इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे, इसे आप सॉल्व कर दो, देखो P, देखो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 1 -3 डिवाइड बाय 2। तो फाइनली अगर इसे अगर मैं और आगे इधर ही लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा। कोई भी एक पॉइंट का चेक करो, ये वाले पॉइंट का 2 है, एंड देन दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है -2/2। तो मतलब फाइनली दोस्तों एक कोऑर्डिनेट आपका चेक करोगे तो 2 -1। अब देखो ये जो आपका कोऑर्डिनेट आया 2 -1 आया, वो हो सकता है कि आप अगर बुक में देखोगे तो यहाँ पे दूसरा नेमिंग लिया हो, पर एक कोऑर्डिनेट आपका ये होगा। सेम आप इसको भी ऐसे ही फाइंड आउट करो, ये दोनों का प्लस करके ये भी करो। तो ये एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर सिंपल क्वेश्चन है आया तो आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। अब देखो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर है, और ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स में आएगा, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूं। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। अब देखो यहां पे, अब यहां पे मेरे लेक्चर का टाइम हो चुका है, तो मैं इसको कैसे मैनेज करूं, पर ये इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम है मेरे पास? हाँ चलेगा, 9 मिनट है, मैं इसको बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। देखो मैं, मुझे लेक्चर से एंड करना है, तो इसलिए मैं 5 मिनट में इसे बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। अब देखो यहाँ पे आपने ये पहला मीडियन बनाया, दूसरा मीडियन बनाया, और आपने तीसरा मीडियन बना दिया। इसे देखो नेमिंग हमें, द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों डी ई F आर दी मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मतलब हमें मिड पॉइंट इस बार पता है। जैसे यहां पे मैं A ले रहा हूं, यहां पे B ले रहा हूं, यहां पे C ले रहा हूं, तो यहां पे हमें मिड पॉइंट पता है दोस्तों, D वाला मिड पॉइंट पता है। D वाला मिड पॉइंट कितना है? -7, -6। दूसरा अपने को मिड पॉइंट E पता है, 8, 5, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा हमें मिड पॉइंट पता है, 2, -2 F। एक बार देख लो, मैं फटाफट कर रहा हूं तो कुछ रॉन्ग तो नहीं लिख दिया, परफेक्ट है। अब हमें मिड पॉइंट पता है, और हमें क्या करना है पता है, सेंट्रोइड निकालना है दोस्तों, जी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? जी का। अब देखो इसके लिए सबसे पहले आप इसे एक्स वन वाई वन ले लो, इसे आप एक्स टू वाई टू ले लो, और इसे आप एक्स थ्री वाई थ्री ले लो। आप सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देना। अब देखो तीनों पे आप मिड पॉइंट अप्लाई कर दो, ये देखो तीनों पे मिड पॉइंट अप्लाई कर दो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो जैसे ये मैं -7 के लिए ले रहा हूं, तो -7 के लिए मैं कैसे लिखूंगा, -7 इक्वल टू ये एक्स वन लूंगा और ये लूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों को लूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -14 इक्वल टू x1 प्लस x2। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। देन सेम यहां पे आप क्या करोगे, यहां 6 से बना सकते हो,
सिक्स से रिलेटेड इक्वेशन क्या आएगा, सिक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई वन और वाई टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये मेन क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा। अभी जस्ट मेरा एक लाइव सेशन है, आपको पता होगा 10 बजे वाला। सेम आपको यहाँ पे इसके लिए भी करना है, सेम जैसे यहाँ पे आपने 8 लिखा, 8 इक्वल टू 8 पहला वाला है, तो x2 और x3 को ले लो, तो यहाँ पे x2 प्लस x3 अपॉन टू, तो यहाँ पे कितना होगा 16 x2 प्लस x3। अब यहाँ पे आपने लिख दिया, सेम यहाँ पे आप 5 के लिए लिखोगे, टाइम कितना है 3 मिनट में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आएगा वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाय थ्री, थ्री लिख दिया डिवाइड बाय टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन वाई टू प्लस वाई थ्री, अब ये भी मेरा हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट उधर के लिए, ये देखो टू के लिए लिख रहा हूँ, टू इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाय टू, तो फाइनली क्या हो जाएगा फोर एक्स वन प्लस एक्स थ्री। एंड देन इसके बाद माइनस टू के लिए, माइनस टू है तो उधर वाला वाई वन प्लस वाई थ्री, वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइड बाय टू, तो फाइनली माइनस फोर वाई वन प्लस वाई थ्री। अब देखो मैंने जल्दी जल्दी में लिखा होगा, कहीं पे कुछ वाई वन वाई टू अलग कर दिया होगा, देख लेना, पर वैसे तो किया नहीं रहूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बस जितने भी एक्स वाले हैं ना, ये देखो ये ऊपर वाला, इसको वन दे दो, इसको टू दे दो, इसको थ्री दे दो, ये तीनों को पहले ऐड कर दो। अब देखो ऐड करूंगा तो एक्स वन और एक्स वन, देखो एक्स वन और एक्स वन क्या हो गया टू एक्स वन, ये टू एक्स वन, बाद में क्या हो गया टू एक्स टू, प्लस क्या हो गया देखो एक्स थ्री और एक्स थ्री क्या हो गया टू एक्स थ्री। यहाँ पे लिख देना ऐड फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वल टू, ये देखो ये वाले पार्ट को भी ऐड करो, सिक्सटीन और फोर कितना होगा ट्वेंटी, और उसमें से माइनस फोर्टीन करोगे तो आई थिंक सिक्स, देन इसे टू से अगर कॉमन निकाल के अगर उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। अब देखो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा सेम यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन को निकाल के वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू यहाँ पे कुछ आएगा, इस तरह से उसे सॉल्व करना है। और इसके बाद नॉर्मली आप सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, बस ये वाला वैल्यू आपको पता है दोस्तों, जैसे ये थ्री आया तो अपॉन थ्री, तो यहाँ पे आंसर वन आएगा और जो यहाँ पे आपका आया वो अपॉन थ्री। इस तरह से मैंने बहुत शॉर्ट में इसे कवर करा दिया है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर का सम बहुत इजी है। ये देखो ये सर्कम सेंटर कभी आया तो आपको ऐसा एक ट्राइंगल बनाना है एंड देन यहाँ पे इसके रेडियस ड्रॉ करने, जैसे यहाँ पे समझो मैं नेमिंग ले रहा हूँ ए बी सी और यहाँ पे ओ, बस आपको क्या करना है दोस्तों पता है, यहाँ पे आपको सभी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बस यहाँ पे आप एक बार ओ ए इक्वल टू क्या करना है ओ बी, ये वाला कंडीशन ले लो, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो एंड देन इसके बाद क्या करना ओ बी इक्वल टू ओ सी ले लेना, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना और यहाँ पे ओ का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के ले लेना, बस इस पे डिस्टेंस अप्लाई करोगे यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, अलजेब्रा में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा है उससे सॉल्व करोगे, फाइनली आपको एच और के का वैल्यू आ जाएगा। अब एच और के का वैल्यू आ गया, यहाँ पे आपको एच और के का वैल्यू मिल गया, किसी भी एक पॉइंट पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियस भी निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे रेडियस भी बोला है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट होगा तो बोल देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, चलो मैं ये नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट सीरीज बनाऊंगा तो उसमें मैं ले लूंगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको सॉल्व करना चाहिए। अभी टाइम नहीं बचा क्योंकि मुझे लाइव लेना है, 10:57 हो चुका है, यहाँ पे भी आपको टाइम दिखता होगा आई थिंक, यहाँ पे ये देखो 10:57। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत मेहनत किया हूँ। अगर आपने ये तीनों लेसन के अच्छे से कवर कर लिए और मेरे वन शॉट वीडियो कवर कर लिए तो आपका दिक्कत खत्म हो गया, नीचे कमेंट करो, जिससे अगर मेरे पास बीच में टाइम मिला तो मैं ये कमिटमेंट 100% नहीं कर रहा हूँ, पर टाइम मिला तो जरूर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा बाकी के भी लेसन के ऊपर हॉट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद दोस्तों।